ये आ रहे हैं भाई अपना डीजे। 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल लेके भाई। क्यों? अरे काहे भाई, फाइनली मैंने ये ले लिए सिम BSNL की। इसके बारे में आपको घर जाके बताता हूँ। बॉक्स कौन लाया था? बॉक्स ही वाला मामी। ये तो काफी प्यारा लग रहा है। देख, अरे मैंने लहंगा देखा नहीं। अरे वाओ, क्या लहंगा है। गरम है। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। यहाँ पे देखो राधे मंदिर है, और मैं हूँ अभी स्टेशन पे, यहाँ पे जहाँ पे पूड़ी उड़ी मिलती है ना। तो डीजे मोहित भाई हमारे यहाँ है, यहाँ पे राशन लेने के लिए। ये है मुन्ना माथुर का दुकान, राशन कोटा वाली। क्या बता रहे हैं, देखते हैं। क्या बताया? सर्वर आ रहा है? तो ऐसा कुछ सामने का माहौल है, बिल्कुल चमकीला सा। काफ़ी तेज़ धूप है भाई, मतलब एकदम ब्राइट ब्राइट, एकदम ब्राइट। तो इसी ने भाई यहाँ पे दुकान भी है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। चावल मिलेंगे और पता नहीं क्या मिलेगा। चल, यहाँ पे मंदिर है बहुत प्यारा सा राधा नंदी का। वो देखो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं तरीके। भाई क्या सही टाइम से हम यहाँ पे आए। हमारे आते एकदम से भीड़ लग गई यहाँ पे, जब माँ जब बिल्कुल भीड़ नहीं थी। ये आ रहे हैं भाई अपना डीजे मोहित, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल लेके। भाई हम भी बनवा ले अपना, हम भी अपना राशन बनवा ले सोच रहे हैं यार, फ्री का मिल जाया करेगा। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए हैं घर पे, और चलते हैं अंदर कुछ खा पी लेते हैं। कल की शाही पनीर रखी होगी। तो गाइस कल की बासी खीर खा रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाकी सब कुछ खत्म हो गया भाई, सब कुछ, एवरीथिंग फिनिश्ड, पनीर पुलाव सब। भाई आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी आए हुए हैं गेट पे। भैया हेलो, हेलो, बोलता नहीं कुछ। क्यों? अरे काहे, आ जाओ गाइस, खाना खा लो, खाना खा लो गाइस। अब तो खाना खा लो। इसने ये क्या है कट्टू, ये क्या है? चॉकलेट है, देखें खा के। अभी मैं जा रहा हूँ अस्मित को ड्रॉप करने, जिन पे चौराहे पे, पता नहीं कहाँ गलियों से ले जा रहा है। वैसे ये मोहल्ले का नाम है क्या अस्मित? पीताम्बरगंज नाम है। और बहुत सुनसान पड़ी रोड है, लगता को यहाँ रहते ना हो। चलो एक तो इंसान दिखा हमको कम से कम। तो ये चलिए शॉर्टकट है, अगर आपको रोड से नहीं आना है तो आप गलियों से होके जिन पे चौराहा जा सकते हैं। हम आ गए पीर चौराहे पे, सामने वहाँ पे। तो ये तो गया भाई सामने, और हम निकलते हैं घर की तरफ। लाल गाइस अभी 1:42 हो चुके हैं, और हमें पढ़ाने आना है, मतलब 2 बजे से आज पढ़ाएंगे जाके 5 बजे तक। और फिर शाम को देखते हैं, सिम अगर हमें मिल जाए BSNL की तो हम दूसरे वाले फ़ोन में डाल लें, कम से कम उसमें इंटरनेट चलेगा, कम से कम कॉलिंग तो हो पाएगी। एयरटेल की सिम पड़ी वैसे उसमें, बट रिचार्ज काफ़ी महंगा एयरटेल में है, तो BSNL की मिल जाएगी तो सही रहेगा, देखते हैं फिलहाल। बताओ भाई आज तो चार्जर बाइक खड़ी यहाँ पे फिलहाल, इसमें से 2 ही मेरी हैं, की है और ये मास्टर जी के पड़ोस में स्कूल है, और ये यहीं पड़ोसी की है। मौसम देखना कैसा हो रहा है, प्यारा सा आसमान नीले नीले बादल, अच्छा खासा। नीचे पढ़ा रहे थे बेटे, लाइट चली गई और अब ऊपर आना पड़ गया हम लोगों को। फिलहाल मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत चिल्ड हवा चल रही है, झंडा लहरा रहा है अपना तिरंगा। तो फाइनली गाइस बच्चों को पढ़ा के हम निकल चुके हैं घर की तरफ। वैसे हमें थोड़ा और काम है, अभी सिम खरीदनी है, तो देखते हैं अगर मिल गए तो खरीद लेंगे। और ये सिम रहेगी मेरी BSNL की, मतलब उसमें ना सस्ता डाटा मिलता है ना, तो एक बार ट्राई करना चाहते हैं कैसा है। बहुत लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि BSNL ले लेना, तो इसलिए हम BSNL लेना चाहते हैं। अगर मिल गई तो हम आसानी से ले लेंगे भैया, वरना फिर हमारा एयरटेल ही काम आएगा, क्योंकि मेरा दूसरा फ़ोन है ना उसमें कोई सिम नहीं है। तो सोच रहे हैं कि उसको भी कॉलिंग के लिए बना लें तो काफ़ी सही रहेगा, मतलब एक तरीके से मेरे पास दो दो फ़ोन कॉलिंग वाले हो जाएंगे। ये रास्ता देखो भाई, इस रास्ते पर हम दोपहर में पढ़ाने आते हैं, बट आज हम इधर से जा रहे हैं, बहुत ख़राब रास्ता आ गया, बंद करते हैं वीडियो। 80-90 तो भाई फाइनली मैंने ये ले लिए सिम BSNL की। इसके बारे में आपको घर जाके बताता हूँ क्या इसमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, कितने में पड़ी। और ये मैंने यहाँ से लिए डाकखाने के पास से। मैं आ गया घर पे अभी, और ये देखो मैंने अभी ना सिम डाल भी ली अपने फ़ोन में, और अभी बोला था 2 घंटे में ऑन होगी वाली सिम। तो इसमें हमको मिलेगा, पहली बात तो मैं बताता हूँ कितने की मिली मुझे, ये 100 रुपये की पड़ गई। वैसे 150 रुपये की मार्केट में मिल रही है, बट मेरा दोस्त था वो, तो मुझे 100 रुपये की मिल गई। इसमें मुझे ये 45 दिन तक पूरा डाटा मिलेगा अनलिमिटेड, और कॉलिंग मिलेगी, और उसके बाद मैं इसका कुछ भी करूँ वो देखते हैं भाई। इसमें रिचार्ज सस्ते हैं वैसे BSNL में, मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा अगर ठीक लगा मुझे, इसका परफॉर्मेंस सही रहा इस महीने में तो। है किट्टू? तो ये किट्टू जी भाई कल अपना बर्थडे मना चुकी हैं, और मुझे ज़रा दिखाओ तुम्हें क्या क्या मिला गिफ्ट में, दिखाओ। हाँ दिखाओ। अच्छा ये फ्रॉक भी मिली है तुमको गिफ्ट में, ये तो बड़ी नीगी लग रही है भाई, प्रिंसेस लिखा है इस पे तो।
और दिखाओ और दिखाओ क्या मिला, और दिखाओ। और ये क्या है किट्टू, ये भी तुम्हें मिला है क्या? हाँ। ये बॉक्स कौन लाया था बॉक्स, ये वाला वो मामी, मामी। हाँ, चहू का रोटी धरी है माँ, रोटी टुकड़ा धरे है। ये तो बहुत प्यारा और सॉलिड लग रहा है, मजबूत लग रहा है देखने में। और क्या था, क्या है इसके अंदर? अच्छा हाँ दिखाओ। ओ भाई इसमें तो रोटी रखी किट्टू ने। और ये देखो नूनू पैंट है किट्टू की, बहुत अच्छी डिजाइन बनी है इस पे तो। और ये ढेर सारे कपड़े मिले हैं भाई किट्टू को इसमें, है ना? हाँ ये तो बहुत अच्छा लोअर लग रहा है देखने में। और तुम्हें बोतल मिली है क्या किट्टू? वाह ये तो काफी प्यारा लग रहा है देखने में, वाइट वाइट सा है ना। और देखती हूं, और किट्टू ये किस कलर का है? ये किस कलर का है? किस कलर का है ये? ये वाइट, वाइट तो ये है ना, ये वाला वाइट, ये किस कलर का है? मेहंदी कलर, मेहंदी कलर है ये? ये मेहंदी कलर तो नहीं लग रहा देखने में, भिंडी कलर है, भिंडी, भिंडी का कलर का लग रहा है ना। हाँ। चलो भाई पंखा चला दो, वीडियो शूट करते हैं ना, पंखा बंद कर देते हैं क्योंकि ऑडियो। क्योंकि आप लोगों को ऑडियो अच्छा है। चाचू तुम उसके लहंगे पे क्यों बैठ गए? ओ अरे मैंने लहंगा देखा ही नहीं, अरे भाई, अरे भाई सॉरी सॉरी, मैंने लहंगा देखा ही नहीं आपका। लहंगा तो बहुत ब्यूटीफुल है, वाओ क्या लहंगा है किट्टू का, वाओ ये टॉप है ना, ठीक है बहुत प्यारा लग रहा है। कौन लाया था लहंगा किट्टू? लहंगा कौन लाया था? पापा लाए थे। अच्छा और तुम किसकी बिटिया हो? चाचू की। आ जा फिर मेरे पास, मेरी भी तो कौन? नहीं तुम्हारी नहीं है वो, मेरी है। ठीक है भाई चलो इसको देखते हैं कब चालू होता है। एक इधर टूटी को और दो राहें में लग रही है। अच्छा अच्छा। A few moments later. ये भाई जा रहे हैं डोमिनोज के डिलीवरी बॉय, ये किट्टू के लिए हमने पिज्जा मंगाया था। चलो अंदर खोल के दिखाते हैं, पिज्जा के बहुत शौकीन है भाई। गरम है ध्यान से खोलना। ये मार्गरेटा वाला, चलो अरे काट के नहीं दिए इनने, काट के नहीं दिए इनने। इसमें चीज कितना है? चीज वाला तो होता ही है ये। अच्छा है किट्टू? हाँ बहुत अच्छा। चलो खा लो। तो भाई मेरी सिम जो है वो चालू हो चुकी है, और उसको मैं पिछले एक घंटे से यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। शुरुआत के आधे घंटे तो भाई इसमें 2G चलता था, 2G ई लिख के आ रहा था भाई ऊपर साइड में। फिलहाल अभी यहाँ पे देखो 4G तो लिख के आ रहा है, लेकिन जो नेट की स्पीड है ना बहुत बेकार है, अटक अटक के चल रहा है भाई, बहुत ही डिस्टर्बिंग चल रहा है। फिर मैंने ये सोचा कि यार 100 रुपये में और क्या ही लोगे, मतलब कॉल हो जाएगी ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएंगे जो भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह के होंगे, लेकिन आप रील देखो बैठ के, यूट्यूब वीडियो देखो हाई क्वालिटी में, तो वो नहीं हो पाएगा भाई, सैड रियलिटी है ये। अब इतने सस्ते में यही मिलेगा। हमें लगा था कि बिजनेस थोड़ा इम्प्रूव कर चुका होगा, मतलब काफ़ी टाइम हो गया ना, थोड़े टावर आवर लग गए, थोड़े अच्छे हो गए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई, वैसा ही है इसलिए सस्ता है। चलो गाइस ये था आज का व्लॉग, खत्म करते हैं इसको भी यहीं पे। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, अगर आप बिजनेस लेना चाहते हैं तो क्या इस बात पे अमल करें। तो गाइस ये था आज का व्लॉग, और कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। देखियो देखियो, लो भाई इनकी आँख में कुछ पड़ गया यार।